हापुड़ जनपद में देश की तीनों सेनाओं की सलामती के लिए जम्मू कश्मीर से पैदल यात्रा कर रहे देशभक्त शिव करण हापुड़ में पहुंचने पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। साथ ही समिति के पंचायती राज विभाग के प्रदेश सचिव चंद किरण कश्यप ने बताया कि उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर ब्लॉक देवमई थाना औंग अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी देशभक्त शिवकरण, जो कि नवमी शिक्षा पास कर दशमी में 2 महीने पढ़ने गए, राष्ट्रीय पर्व पर स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाते रूपांतर किया है, जिसके बाद उनकी आत्मिक मनोभाव बदल गए और समाज राष्ट्रहित कल्याण के पद पर चल दिए। बता दें 7 अक्टूबर 2009 से नंगे पांव स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि रूप में जगह जगह 5 पौधों का वृक्षारोपण कराते नव युवाओं को नशे से दूर जन जागरण देश प्रेम की भावना भरते सरहद पर तैनात थल वायु तीनों सेनाओं की सुरक्षा सलामती की दैवीय कामना करते नीलम घाटी चाइना बॉर्डर जम्मू कश्मीर से रामेश्वरम कन्याकुमारी अकेले पैदल चल रहे हैं। ऐसे मातृभूमि सेवक देशभक्त शिवकरण के हापुड़ आगमन पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के पदाधिकारियों ने हापुड़ रामलीला ग्राउंड पहुंचने पर शहीद स्मारक पर फूल माला पहनाकर देशभक्त शिवकरण का स्वागत किया। व स्वागत के समय संस्था के पदाधिकारी कपिल कश्यप, अनुज कुमार, संजीव कुमार, सोनू, प्रवेश कुमार व अन्य हापुड़ निवासी गण उपस्थित रहे। चंद्रकिरण, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति। ये देशभक्त शिवकरण जी हैं जो फतेहपुर से तीनों सेनाओं की सलामती के लिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये इनकी दूसरी यात्रा है। इन्होंने एक यात्रा जो पहली यात्रा करी है वो 2009 में करी है, जो 3 वर्ष कुछ महीने में समाप्त हुई थी। अब ये दूसरी यात्रा इनकी 25 मार्च 2022 से पैदल यात्रा कर रहे हैं और आज ये इनका हापुड़ आगमन हुआ है, जो चंडी मंदिर में इन्होंने चंडी का आशीर्वाद लिया है और चंडी मंदिर कमेटी के मंत्री जी गुप्ता जी हैं, उन्होंने इनका माता जी की चुन्नी उड़ाकर स्वागत किया और हमने भी फूलमाला पहनाकर इनका हार्दिक स्वागत किया। जो देश के युवा नशे में और इधर उधर भटक रहे हैं, अपने उससे भटक रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इनके आदर्शों पर, स्वतंत्र सेनानियों के आदर्शों पर चलकर देश के साथ देश सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।